हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ICDS CAS के कॉमकेयर LTS ऐप में जो डेमो मोड है, अभ्यास मोड, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल मधुरम पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमकेयर ऐप है, अपना कॉमकेयर LTS ऐप, जैसे कि आपको दिख रहा है। और आपको आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके इजीली उसका नेम सर्च करके आपको ये फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इंटरफेस मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये आपको जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो अभ्यास मोड दर्ज करे लिख रहा है इस पर भी आपको क्लिक करना है। जिससे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेमो मोड है वो शुरू हो गया है। यू हैव लॉग्ड इन टू कॉमकेयर इन प्रैक्टिस मोड। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये कॉमकेयर है इसके सिंपली 2 मोड है, यानी एक रियल मोड है और एक डेमो मोड है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा जो टोटल मीनिंग है वो आपको इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रियल मोड में परेशानी आती है तो आप इसमें आके उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। दोस्तों, इन दोनों में एक अंतर है, एक डिफरेंस है। रियल मोड में आपकी जितनी भी डेटा फाइल्स है वो सर्वर तक जाती है ओरिजिनली, और इसमें जितनी फाइल्स है वो सर्वर तक नहीं जाती है, इसलिए आप इस पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और कई और लोग हो सकते हैं, तो उन सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेमो मोड है, रियल मोड में ऐसा डेमो मोड जैसा लोगो है वो नहीं आएगा। और मैं अभी आपको ओपन कर लेता हूँ डेमो ICDS CAS का डेमो मोड खोले, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे मॉड्यूल्स दिखेंगे। तो ये पूरे 10 मॉड्यूल्स है, ये मैंने अपडेट कर रखा है और 2 मॉड्यूल्स न्यू आए हैं, किशोरी और सामुदायिक गतिविधि। तो दोस्तों, इनके बारे में भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो अभी फर्स्ट नंबर का है जो परिवार प्रबंधन, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर आपके ये जो 2 मॉड्यूल्स है यानी किशोरी और सामुदायिक गतिविधि, अगर आपके वो नहीं आया है तो प्लीज़ आप अपने कॉमकेयर LTS को अपडेट कर लीजिए, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर का परिवार प्रबंधन मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, नया परिवार जोड़े इस पर क्लिक करने के बाद ये जो स्थान डेटा अक्षम है तो उस पर कैंसिल पे क्लिक कर लेना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो मोबाइल है वो फर्स्ट नंबर की संख्या दे देगा। देने के बाद आपको इसका उपनाम भर लेना, सॉरी TM भर लेता हूँ मैं। TM भरने के बाद आपको कुछ भी, आप इस पर उपस्थित नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो आप जाति का चयन कर कुछ भी अन्य जो भी है उस पर करना है आपको। फिर धर्म का चयन करना है, आप कुछ भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी है। तो अभी मैं आगे आपको नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में इसमें समाप्त आएगा। समाप्त पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा तो बेक आ जाता हूँ। तो अभी सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है, सॉरी मैं बताता हूँ, दैनिक पोशाहार। सेकंड नंबर पे आपको दैनिक पोशाहार मिलता है। दैनिक पोशाहार में आपको सब कुछ जानते होंगे, दैनिक यानी क्या होता है। तो ये जो पोशाहार है मतलब हर दिन दिया जाता है बच्चों को, मतलब ये इसका फॉर्म भी हर दिन दिया जाता है या आप कह सकते हैं भरा जाता है। इसमें बच्चों का फोटो लेते हैं अपन, लास्ट में जो भी इन्हें पोशाहार दिया जाता है उसके सहित उसका फ़ोटो लेते हैं। आप इसमें आसानी से उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है तो खोला ऐसे करके ठीक आगे जाएं। दोस्तों, अबे आगे जाके अपन को ऐसे TH4 ऐसे आपको हाँ या नहीं कर देना है, तो ऐसे आगे जाके आप ऐसे समाप्त पर क्लिक कर देना, आपका जो सफलता पूर्वक आपका फॉर्म समाप्त हो जाएगा अगर आप समाप्त पर क्लिक करेंगे। तो अभी तो मैं बेक आ जाता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो बेक आने के बाद ये 3rd नंबर पे ग्रह भ्रमण। तो इसमें दोस्तों अभी कुछ भी डाटा नहीं है क्योंकि मैंने परिवार प्रबंधन में एक भी परिवार अभी जोड़ा नहीं है। दोस्तों, जब भी आप परिवार जोड़ेंगे तो इसमें गर्भवती धातियों का नामांकन आ जाएगा दोस्तों, वो फिर आप उनके फॉर्म भर सकते हैं। तो 4th नंबर पे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, बाल विकास निगरानी।
इसमें आप बालक बालिकाओं की जो विकास की निगरानी है उसका फॉर्म भर सकते हैं। और अभी इसमें भी कुछ डेटा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक एक भी परिवार नहीं भरा है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है दोस्तों। आप जैसे ही परिवार प्रबंधन में आप परिवार जोड़ेंगे तो आपके ये जो डेटा है वो उसमें आने लग जाएगा। तो आपको 5th नंबर पे घर ले जाने हैं तो राशन, तो अभी इसमें भी डेटा नहीं है क्योंकि जो भी जो जो औरतें रहती है जिनको आप राशन देती है घर ले जाने के लिए, उनके छोटे बच्चों को ये जो THR दिया जाता है, तो दोस्तों ये ओनली गुरुवार को दिया जाता है, आप सभी जानते होंगी, तो ये गुरुवार को दिया जाता है और ये फॉर्म भी गुरुवार को ही भरता है। तो दोस्तों अभी भी अभी डेटा नहीं है क्योंकि मैंने परिवार में एक भी परिवार नहीं जोड़ा है, तो ड्यू लिस्ट में है। तो दोस्तों इसमें जो है ड्यू लिस्ट में टीकाकरण का विवरण है पूरा, इसमें टीकाकरण लगाया जाता है। और अभी इसमें आपको देख रहे हैं ऐसे कुछ है ऑप्शंस, आप इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है 7th नंबर पे आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन, तो इसमें आप आंगनवाड़ी जो आपका केंद्र है उसका प्रबंधन कर सकते हैं और इस पर भी आप जा सकते हैं। फिर आपको ये जो संपूर्ण सर्वेक्षण डाटा आधारिक संरचना विवरण ये जितने भी ऑप्शन है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बने बाद आपको मैं बता देता हूँ 8th नंबर पे MPR में जो शिशु रहता है उसकी जन्म व मृत्यु की डेट सब दे रखी होती है, इसमें आपको उससे का ही फॉर्म भरना रहता है। शिशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो फॉर्म अलग भरता है और शिशु का जन्म का फॉर्म अलग भरता है। दोस्तों पूरे 8 मॉड्यूल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो 9th वाला है जो 2 न्यू मॉड्यूल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ किशोरी का, तो किशोर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 5 ऑप्शंस, तो गर्म पका भोजन उस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे लिखा रहा है आपके आंगनबाड़ी केंद्र में किसी भी पात्र किशोरी बालिका का पंजीयन नहीं किया गया है। दोस्तों अभी पंजीयन नहीं किया गया है तो ये आपका फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा। जब आप पंजीयन कर लेंगे किशोरी बालिकाओं का तो आप इसमें फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे आप आसानी से इन जितने भी IFA टेबलेट ऑप्शन है उनके फॉर्म्स भर सकते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जो जितना भी वो इसमें जितना भी मोड का जो विवरण दिया है वो प्रैक्टिस के लिए होंगी। और ये लास्ट वाला है 10th वाला सामुदायिक गतिविधि CBE। तो दोस्तों मैं इसमें बताता हूँ ये फॉर्म है एक सिर्फ ओनली 1 फॉर्म है और ये पूरे माह में एक ही बार भरा जाता है ओनली, मतलब जैसे मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ सिर्फ 1 मंथ में एक ही बार भरा जाता है। दोस्तों उसका जो आयोजन होता है वो किसी भी तारीख हो सकता है और उस दिन ये फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे भरेंगे कि आपने सामुदायिक गतिविधि आयोजित की है, हाँ तो ऐसे जो जो आपको ये पूछे वो आपको भर देनी है। तो आज की जिस दिन की तारीख रहेगी उस दिन की तारीख, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते बढ़ते गो गो करते करते आपको जो लास्ट में समाप्त आ जाएगा फिर आपका ये फॉर्म भर जाएगा, आसानी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इन 10 मॉड्यूल्स में कुछ भी परेशानी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ इसके जितने भी 10 मॉड्यूल्स हैं आप आसानी से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल मधुरम पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्निकल मधुरम को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने जो ये वीडियो बताई है वो अभ्यास मोड के ऊपर है यानी डेमो मोड के ऊपर है, तो इसका पूरा विवरण मैंने इस पूरी वीडियो में बता दिया है पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको ऐसी वीडियो इसमें मिलती रहेगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को SCE ICD SCS कॉम केयर या ईला से रिलेटेड वीडियो में इसे चैनल पर डालता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।